अस्सलामु अलैकुम। मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। ये एक कप पानी है, पकना शुरू हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे चाय की पत्ती एक चम्मच, चाय की पत्ती ने अपना कलर अच्छी तरह छोड़ दिया है। अब हम इसे छान लेते हैं। कहवा बिल्कुल तैयार है, अब हम इसे छान लेंगे। ये देखें, आधा कप कहवा बना है। ये हमारे अलमारी के ऊपर वाला हिस्सा है, इधर से मुझे चाहिए ये वाली पॉलिश, ये मैंने मंगवाई थी। बच्चों के डर से हमने हर चीज़ अलमारी के ऊपर रखी होती है। कहवा जो है वो हल्का सा नीम गर्म हो गया है। अब मैं ये वाली पॉलिश इसमें मिक्स कर दूंगी। एक मिल चाहिए ये वाली पट्टी, ये जो चोट वगैरह लगने पे बांधते हैं वो वाली पट्टी है। ये सही नज़र ही नहीं आ रही, ये देखें ये वाली पट्टी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, अपने घरों में खुश होंगे। अल्लाह ताला आपको और हमें रमज़ान मुबारक की रहमतें और बरकतें इसमें इतना नसीब फरमाए। अल्लाह ताला इस रमज़ान शरीफ में हमारी मगफिरत फरमा दे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि रमज़ान मुबारक का आखिरी अशरा चल रहा है। रमज़ान मुबारक के जाने के दुख के साथ साथ ईद की खुशियां भी आ रही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला हमें इस ईद पर जैसे अल्लाह ताला ने हमें हुक्म दिया है वैसे ही ईद गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। इसी दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। आज जैसा कि लोग आप लोगों को पता है कि तमाम लोग सफाइयाँ वगैरह करने में, ईद की सफाइयाँ और ईद की शॉपिंग करने में मसरूफ़ हैं। आज मैं आपको बताऊँगी कि आप अपने फर्नीचर की सफाई करते हैं पे दाग लगे होते हैं वो दाग कैसे उतार सकते हैं, और फर्नीचर की घर में अच्छी तरह पॉलिश कैसे कर सकते हैं, उसे कैसे चमका सकते हैं। और ये जो मैं कहवा बना के लाई हूँ, मैंने आपको दिखाया है वो वाला कहवा, और जो पट्टी होती है जो ज़ख्मों पर लगाते हैं, ज़ख्मों पर बांधते हैं, वो वाली पट्टी ली है मैंने। और ये जो मैंने कहवा बनाया था आपके सामने, ये इसमें भिगो के मैंने रात सारे फर्नीचर के ऊपर मायोनीज़ लगा दी थी और अच्छी तरह हल्के हाथों से लगा दी थी। उसके बाद सुबह मैंने उसे एक खुरदरे कपड़े से अच्छी तरह साफ़ कर दिया, लेकिन मायोनीज़ लगाने की वजह से स्मेल आ रही थी कमरे से, हल्की हल्की जैसे अंडे की स्मेल होती है। तो उसके बाद मैंने ये कहवा तैयार किया जो मैंने अभी आप लोगों को दिखाया है। तो इसके बाद हम इससे अच्छी तरह पॉलिश कर लेंगे। इससे आपके फर्नीचर पे जो भी दाग धब्बे लगे हों, हमारे फर्नीचर पे तो बहुत ज़्यादा लग जाते हैं क्योंकि छोटे बच्चे हैं, इसीलिए वो जो भी चीज़ खाते हैं ऊपर हाथ लगा देते हैं या वैसे भी कुछ गिरा देते हैं ऊपर, तो बहुत ज़्यादा हमारा फर्नीचर ख़राब होता है। तो इसीलिए हम इसी से साफ़ कर लेते हैं। अगर आपका फर्नीचर ब्लैक कलर का है तो आप इसमें ब्लैक कलर की पॉलिश डाल सकते हैं।
हमारा ये लकड़ी वाला कलर है तो हमने ब्राउन कलर की पॉलिश ली है। इसी तरह आप सारे फर्नीचर पे हल्के हाथों से इसकी पॉलिश कर देंगे। ये आप कहवा थोड़ा सा भी इसमें शामिल कर सकते हैं, पॉलिश लेके उसमें 2-3 चम्मच बेशक कहवा डाल लें और उसे अच्छी तरह मिक्स करके ऐसे इसकी पॉलिश कर लें। ये देखें सारे फर्नीचर की मैंने अच्छी तरह पॉलिश कर ली है। अगर पहले आप लोग देखते तो आपको पता चलता कि कितना साफ़ हो गया है। बेड से मैंने चादर भी उतारी हुई है, ये भी मैं दोबारा बिछाऊंगी। और ये देखें ये भी रात काफ़ी गंदा था, ये देखें बहुत हद तक साफ़ हो गया, ये भी इस पर भी कर लिया मैंने। ये देखें रोज़े होते हैं, रोज़े रखे होते हैं तो इसलिए मैं रोज़ सिर्फ़ एक कमरे की सफाई कर लेती हूँ अच्छे से और बस, क्योंकि रमज़ान शरीफ में ज़्यादा काम नहीं होता तो मैं रोज़ ही एक कमरे की सफाई अच्छे से कर लेती हूँ। इसी तरह सारी सफाई मुकम्मल हो गई है और इंशाल्लाह जो शॉपिंग करके लाएंगे वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो उम्मीद करती होंगी आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा आज का ब्लॉग हमारा आपको कैसा लगा। और नेक्स्ट ब्लॉग के साथ हम आपको फिर इंशाल्लाह कल मिलेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह।